दोस्तों, उर्दू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सबक नंबर 12 के लिए आज हमने एक बहुत ही दिलचस्प, पुरअसरार, रहस्यमयी अफसाने का एक इक्तिबास चुना है। उस अफसाने का नाम है नुसरत और उसके मुसन्निफ हैं नय्यर मसूद। नय्यर मसूद साहब का नाम कोई नया नाम नहीं है, उर्दू अदब का एक बहुत ही मुस्तनद और जाना माना नाम है। तो अफसाने की या रीडिंग की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दें कि आप अपनी कॉपी और अपना कलम अपने साथ रखिए, ताकि वीडियो खत्म होते होते जो एक्सरसाइजेज हम आपको देंगे वो आपका होमवर्क होगा, उसे आपको करना होगा। तो उसके अलावा एक बात और याद रखिए कि जो भी अल्फाज हम मुश्किल इस्तेमाल कर रहे हैं या इस पैसेज में इस्तेमाल हो रहे हैं, उसको आपको गौर से सुनना है और उसके बाद हमारी एक्सरसाइज उसी पर बेस्ड है। तो हम शुरुआत करते हैं रीडिंग की। उसके बाद मेरा घर खाली होना शुरू हुआ। तमाम लोग, खुसूसन घर के बुजुर्ग, एक के बाद एक खत्म होते चले गए। कभी कभी मुझे खौफ भी महसूस होता था। बहरहाल, आखिरकार मैंने खुद को एक बहुत बड़े मकान में तन्हा पाया और इस तन्हाई से मानूस होने की कोशिश में लग गया। मैं मकान के हर हिस्से में जाता और हमेशा इस फिक्र में रहता कि मकान का कोई गोशा ज्यादा वक्त तक मेरे वजूद से खाली न रहने पाए। अगर उन दिनों कोई मुझे देख पाता तो जरूर यही समझता कि मैं किसी खोई हुई चीज की जुस्तजू में हूं, जुस्तजू, तलाश। लेकिन एक दिन मुझे याद आया कि मैं बैरूनी कमरे को भुलाए बैठा हूं। बैरूनी कमरा, ड्राइंग रूम, बैठक। तो मैं वहां पहुंचा। उसका बीच वाला दरवाजा हमेशा की तरह खुला हुआ था और उस पर पड़ा हुआ भारी पर्दा आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था। कमरे में रोशनी कम थी और दूर की नशिस्तें, कुर्सियां ठीक से दिखाई न देती थीं। लेकिन इस कम रोशनी में भी मैंने देखा कि नवादर पर गर्द की तह जम गई है। नवादर, एंटिक्स। दीवारों पर भी गर्द थी और बुजुर्गों की तस्वीरें धुंधला गई थीं। मैंने नवादिर को एक एक करके छुआ जिससे उन पर मेरी उंगलियों के निशान पड़ गए। मैंने बुजुर्गों की तस्वीरें हाथ से पोछी और वो इतनी उजागर हो गईं कि मेरा उनसे बात करने को दिल चाहने लगा। और जब मैं बोला तो मेरी आवाज कमरे में गूंजने लगी। मैं देर तक बातें करता रहा, एक तस्वीर को अपने माथे से छुआ। मुझे सब याद आता है, मैंने कहा। फिक्रमंद नजरें उसी तरह मेरी तरफ लगी रही, मगर अब कुछ नहीं हो सकता। पहले मुझे नहीं मालूम था कि एक ही मकान इतना आबाद और इतना खाली हो सकता है। यही कमरा, मैंने कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई। यही कमरा कभी, और मैंने देखा कि दरवाजे के करीब फर्श पर शीशे का गिलास पड़ा है। यहां तक कि बदकार औरत भी, बदकार औरत, चरित्रहीन औरत। इस वक्त मुझे लिबास की सरसराहट सुनाई दी और मैंने मुड़कर देखा। दूर अंधेरे में डूबी हुई एक नशिस्त से कोई उठकर मेरी तरफ आ रहा था। वो कोई औरत थी, बदकार औरत, मैंने सोचा, मगर इतने में उसकी आवाज सुनाई दी। तो ये एक छोटा सा इक्तिबास था जिसे हमने आज की रीडिंग के लिए चुना है। अगर आप इस अफसाने को पूरा सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर इसे पूरा सुन सकते हैं, वहां पर मौजूद है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो पहली एक्सरसाइज उर्दू सीखने वालों के लिए, यानी वो लोग जो हिंदी से उर्दू सीख रहे हैं उनके लिए है कि इस अवतरण या वाक्यांश में इस्तेमाल हुए 10 शब्दों की व्याख्या उर्दू में कीजिए। यानी आपको इस पूरे पैसेज में से 10 शब्द चुनने हैं जो आपको मुश्किल लगे हैं और फिर आपको उनको एक्सप्लेन करना है, उनकी व्याख्या करनी है उर्दू में। दूसरी एक्सरसाइज है उन लोगों के लिए जो हिंदी सीख रहे हैं उर्दू के जरिए,
और आपके लिए है कि इक्तिबास में इस्तेमाल हुए 10 मुश्किल अल्फाज की तशरीह हिंदी में कीजिए, तो आपको भी अपने हिसाब से 10 अल्फाज इस इक्तिबास में से चुनने हैं और फिर उसकी तशरीह, उसका एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में करना है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब करें दबिस्तान पर। शुक्रिया।